इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स के तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसमें से जो पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। उसके पहले कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बेसिक चीज बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड्स भी बोलते हैं। ये डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से, दैट इज सैक्रॉन, जिसको शुगर बोलते हैं। और इसके नाम से ही ऐसा लग रहा है कि शक्कर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सैकराइड शक्कर। ओके, सो सैकराइड इज नथिंग बट शुगर या कार्बोहाइड्रेट। नाउ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस देर आर थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स है? तीन टाइप है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है। सबसे पहला है मोनोसैकराइड, दूसरा आ जाता है ऑलिगोसैकराइड, और तीसरा है क्या? पॉलीसैकराइड। अब नाम से ही थोड़ा कुछ हमें हिंट मिल जा रहा है यहाँ पे। क्या मोनोसैकराइड? मोनो मतलब क्या? सिंगल। तो मोनोसैकराइड मतलब सिंगल यूनिट्स। तो यहाँ पे सिंगल यूनिट है, उसको आप हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करो तो वो तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। वो मोनोसैकेराइड बोलेगा, भाई मैं तो पहले से ही टूटा हुआ हूं, मुझे और क्या तोड़ोगे आप, ये तो सिंगल यूनिट होगा। ओके, सो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ऑलिगो में क्या लिखते हैं, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव। अब हाइड्रोलाइज करने पे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड मिलेंगे ना, छोटे छोटे यूनिट्स मिलेंगे, एक मिलेगा, दो मिलेगा, कितने मिलेंगे? एक तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ब्रेक होने पे एक से ज्यादा ही आपको मोनोसैकेराइड मिलने वाले हैं। सो कैन बी हाइड्रोलाइज टू गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। बात समझ में आ रही है? 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं ऑलिगोसैकेराइड्स का। सबसे पहले सुक्रोज, घर की जो हमारी शक्कर है, उसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करो, लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या मिलता है हाइड्रोलिसिस करने पे, एक तो आपको मिल जाएगा ग्लूकोस, दूसरा क्या मिल जाएगा? फ्रक्टोस। तो इसका मतलब क्या, ग्लूकोस और फ्रक्टोस किस में आएंगे, कौन से क्लासिफिकेशन आएंगे? ये पहले वाले में आएंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल ग्लूकोस फ्रक्टोस, और एग्जाम्पल चाहिए तो यहां पर राइबोस भी लिख सकते हो, एटसेट्रा। राइट, अब मोनोसैकेराइड्स की अगर बात करें तो इनको और दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, जो कि इस वीडियो में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल एल्डोजेस एंड कीटोजेस पे पॉज लगाते ही एट दी एंड हम डिस्कस करेंगे, पहले ये ऑलिगो एंड पॉली हम लोग कवर कर लेते हैं। नाउ ऑलिगोसैकेराइड्स क्या बोला मैंने यहाँ पे, 2 to 10 यूनिट्स देगा। तो ऑन दैट बेसिस ऑलिगो को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया डाइसैकेराइड अगर 2 यूनिट देगा तो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइसैकेराइड 4 यूनिट देगा तो, टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। पेंटा वगैरह भी होता है, बट हमारे सिलेबस में डाई ट्राई एंड टेट्रा है, तो इसी के ऊपर फोकस करेंगे। और इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है डाइसैकेराइड। ऑलराइट, नाउ पॉलीसैकेराइड की बात करें तो आप सोचो इसमें क्या पॉइंट आएगा। पहले वाले में क्या आया, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, दूसरे वाले में क्या आया, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। तो यहाँ पे तो 10 से ज्यादा ही यूनिट्स मिलेंगे ना। पहले वाले में मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। So, यहाँ पे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड ऐसे लिख सकते हो, यील्ड्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इजी जा रहा है, हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि पोटेटोज में क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ठीक है। सिंपल शुगर नहीं है, पॉलीसैकेराइड सही है। स्टार्च हो गया, और कौन सा, गम हो गया, ओके, रेसिन्स, और क्या आ जाएगा, ग्लूकोज। हमारे बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, लिवर एंड दूसरे मसल्स में? ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन। और क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? डेक्सट्रिन्स। डेक्सट्रिन्स ये भी एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कितने टाइप है? तीन, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब मोनो में भी क्या आ जाता है? एल्डोसिस एंड कीटोसिस। एंड ऑलिगो में क्या आ जाएगा? डाई, ट्राई एंड टेट्रा। नाउ फिलहाल ये जो डाई, ट्राई एंड टेट्रा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं डाइसैकेराइड। वेरी इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसमें कौन सा सबसे इजी और सबसे फेमस एग्जाम्पल? सुक्रोज का। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज का क्या करना है हमें? हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब पानी डालना है इन एसिडिक मीडियम, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो सुक्रोज क्या है? उसमें दो यूनिट है, डाइसैकेराइड है ना, मतलब दो यूनिट्स अटैच्ड है। दो यूनिट अटैच है तो ऐसा मान के चलो दो यूनिट के बीच में एक ब्रिज है, एक बॉन्ड है। तो उसको तोड़ने के लिए आपको एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल डालना पड़ेगा। सो सुक्रोज के अंदर एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल डालना पड़ेगा इन एसिडिक मीडियम। तो सुक्रोज क्या देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्लियर है? अब मान के चलो कि सपोज आप सुक्रोज का फॉर्मूला भूल गए, ओके, बट एटलीस्ट ग्लूकोज का तो बहुत बेसिक है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ग्लूकोज का याद रहता है, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी वही है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, ओके? सुक्रोज का भूल गए तो क्या करना है? इन दोनों फॉर्मूला को आप कंबाइन कर दो और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। सो कंबाइन करोगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 12। हाइड्रोजन अगर 12 और 12 24 हो जाते हैं, बट आपको एक H2O निकालना है, तो दो हाइड्रोजन कम कर दो, H22O। 6 और 6 वैसे 12 होते हैं, बट एक ऑक्सीजन आपको निकालना पड़ेगा वाटर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, C12H22O11। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो भूल गए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया क्या? सुक्रोज। दूसरा, ओके, दूसरा डाइसैकेराइड कौन सा ले लेते हैं? माल्टोस। माल्टोस प्लस यहां पे भी, सिंस ये डाइसैकेराइड है, इसमें भी एक ही वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, बट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट अलग होता है। माल्टोस में दोनों के दोनों यूनिट कौन से हैं? ग्लूकोज के हैं, तो ये देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ओके, सो एग्जाम में यही आता है कि भैया ये डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइज होने के बाद कौन से मोनोसैकेराइड देता है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा जो मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज प्लस वाटर। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मिलेगा क्या? एक तो ग्लूकोज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा गैलेक्टोस। गैलेक्टोस, अब ये गैलेक्टोस क्या होता है, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दे देता हूं, ओके? आपको ग्लूकोस का स्ट्रक्चर पता है? ग्लूकोस का स्ट्रक्चर 1 2 3 4। ग्लूकोस में क्या है? सेकेंड कार्बन पे ओएच राइट में, थर्ड पे लेफ्ट में, गैलेक्टोस में फोर्थ में भी लेफ्ट में बनाओ आप लोग, बाकी सब कुछ सेम। So this is galactose. Difference कहाँ आया? Difference आया ये fourth carbon पे। Glucose में OH right में है, इसमें left में है। इसलिए आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये जो galactose है, ये glucose का C4 epimer है। आगे जाके आप पढ़ोगे epimers। या अगर किसी ने already stereochemistry पढ़ा है, तो उसमें उन्होंने epimers भी पढ़ा होगा। ऑलराइट, तो तीन हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए? डाइसैकेराइड, सबसे पहला क्या? सुक्रोज, दूसरा क्या? माल्टोस, और तीसरा क्या डिस्कस किया? लैक्टोस। अब डाई के बाद क्या डिस्कस करना है? ट्राई एंड टेट्रा। एक एक एग्जाम्पल याद रखना है और उसी के ऊपर सवाल आते हैं, ओके? सो यहां पर मैं लाइन मार देता हूं। ऑलराइट, व्हाट आई कैन डू इज आई विल जस्ट इरेज दिस गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर। आप कॉपी कर सकते हैं या डिजिटल नोट्स है आपके पास, है ना? ओके, ऑलराइट,
यहां पे मैं लिखता हूं ट्राई सैकराइड। ट्राई सैकराइड में इसमें सवाल के साथ में चार ऑप्शन देंगे, पूछेंगे इसमें से ट्राई सैकराइड कौन सा है। तो एक एग्जांपल आपको याद रखना है रैफिनोज, कौन सा रैफिनोज। अब रैफिनोज क्या है, ट्राई सैकराइड मतलब तीन यूनिट होंगे उसमें, तो यहां पर एक ब्रिज होगा मतलब यहां पर एक बॉन्ड होगा और यहां पर एक बॉन्ड होगा, तो आप सोचो कितने वाटर मॉलिक्यूल डाले इसमें इसको कंप्लीटली तोड़ने के लिए, एक यहां वाले बॉन्ड के लिए और एक यहां वाले बॉन्ड के लिए, टोटल कितने, दो वाटर मॉलिक्यूल प्लस टू एच टू ओ। तो यहां पर आपको मिलता है एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज एंड तीसरा मिलता है गैलेक्टोज। ओके, इसको कैसे याद रखें, एकदम सिंपल सी ट्रिक है। मोहम्मद रफी सबको पता है, बहुत ही फेमस सिंगर थे मोहम्मद रफी, राइट। तो रफी जी क्या कर रहे हैं, अभी सिंगर का अगर नाक क्लॉग हो जाए, सर्दी हो जाए तो खराब बात है ना, गाना अच्छे से गा नहीं पाएंगे। तो मोहम्मद रफी जी अपना नाक अच्छा रखने के लिए दिन में 3 बार शक्कर वाली चाय पीते थे, ट्राई सैकराइड, शक्कर, सैकराइड इज शक्कर। तो कैसे याद रखो, मोहम्मद रफी जी अपना नाक अच्छा रखने के लिए दिन में 3 बार शक्कर वाली चाय पीते थे, साथ में अदरक वगैरह भी डालते थे, बट फिलहाल ये ट्रिक याद रखने के लिए शक्कर याद रखो। ऑल गुड, परफेक्ट, ये तो हो गया ट्राई सैकराइड। अब बात करते हैं टेट्रा सैकराइड के बारे में। टेट्रा सैकराइड एक ही एग्जाम्पल याद रखना है इसमें, स्टैक्यूस, स्टैक्यूस। अब आप गैस करो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हम डाले, वेरी गुड, समझदार को इशारा ही काफी है, 3H2O। इसमें हमने कर दिया एसिड हाइड्रोलिसिस, ग्लूकोज वेरी फेमस, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, फ्रक्टोज भी मिलेगा इसमें, गैलेक्टोज भी मिलेगा, गैलेक्टोज, बट गैलेक्टोज वुड बी 2 times, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एग्जाम में सपोज ऐसा आ गया कि भैया रैफिनोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो सॉरी यहाँ पे तो पंगा हो जाएगा। तो अगर आपको सुक्रोज का जो ट्रिक मैंने बताया वो अगर पता है तो रैफिनोज का फॉर्मूला निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पर ये क्या है C12H, C12 नहीं, सुक्रोज थोड़ी लिख रहे हैं हम, है ना, ओके किधर गया, ग्लूकोज क्या है C6H12O6, ऐसे C6H12O6 के अपने पास कितने यूनिट्स हैं, यहाँ पर 3 है, तो कार्बन को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 times, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना होएगा बताओ, सो 12 into 3 बात या 36, बट 36 लिखे क्या नहीं, 36 में से 4 हाइड्रोजन आपको निकालने पड़ेंगे, तो 32 लिख लो। ऑक्सीजन 6 थी 18, बट 18 लिखे क्या नहीं, 18 में से 2 निकालने पड़ेंगे, तो हो जाएंगे 16। यस, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रैफिनोज। स्टैक्योस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यस, फॉर्मूला आप भी कैलकुलेट कर लेना, 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 3H2 निकालना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला देता हूँ, C24H42O21, यू कैन डबल चेक, ओके। So this was classification based on hydrolysis, monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. उसमें भी हम लोगों ने ऑलिगो के 3 types पढ़ लिए, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। अब क्या डिस्कस करना बाकी रह गया, एल्डोसेस एंड कीटोसिस, इसके ऊपर भी सवाल आने के चांसेस है और बड़े सिंपल सवाल होता है। So यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल बना दिया है, एल्डोसेस मतलब उनमें एल्डिहाइड होगा, कीटोसिस मतलब उनमें कीटोन होगा। अब यहां पर क्या लिखा है मैंने, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। ट्रायोस का मतलब उसमें 3 carbon होंगे, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेट्रोस मतलब 4 होंगे, 5 और 6, चलो बनाते हैं। कहने का मतलब अगर कोई कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो मिनिमम उसमें 3 carbon तो चाहिए ही चाहिए, That is the minimum, ठीक है, चलो।
सो क्या करते हैं, सबसे पहले एल्डोजेस, तो एल्डिहाइड तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, सबसे एंड में आता है या फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सो सीएचओ पहले लिख देता हूं, उसके बाद में लास्ट में CH2OH और बीच में OH राइट में। ओके, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? एनी गैसेस? इसको हम बोलते हैं ग्लिसराल्डिहाइड। ग्लिसराल्डिहाइड, अगर ये तीनों कार्बन पे OH 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 हो जाए ना, मतलब ये पहले कार्बन एल्डिहाइड के बदले अल्कोहल आ जाए, तो उसको ग्लिसरॉल बोलते हैं या ग्लिसरीन बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो ये हो गया ग्लिसराल्डिहाइड। अब यहां पे टेट्रोज में चार कार्बन चाहिए, तो सिंपल है, CHO करो, CH2OH और बीच में दो कार्बन, OH राइट में बनाना है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, छह कार्बन में कोई टेंशन आता है थोड़ा सा, बट टेट्रोज और पेंटोज का कोई लफड़ा नहीं है, OH राइट में बना दो। अब इसका नाम है राइबोस, ओप्स नॉट राइबोस, राइबोस तो पांच कार्बन होते हैं, ये है एरिथ्रोस, एरिथ्रोस। ओके, तो काफी लोगों समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट वाला राइबोस होगा। ओके, CHO अगेन, एंड यहां पर एक दो तीन लाइन मार दी, लाइन सही से नहीं, एज हो रही है ना, लाइन तो पहले मारते थे बढ़िया सीधी लाइन आती, मैं ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, सीधी लाइन आती थी, अब इसमें भी टेढ़ी होती, पता नहीं क्यों, वो समय भी अलग था, ये अलग है दोस्तों। ओके, तीनों के तीनों कार्बन पे OH राइट में बना दिए, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोस। प्रैक्टिस छूट गई है। ओके, हेक्सोज, हेक्सोज मतलब छह कार्बन और एल्डिहाइड, एक फेमस एग्जांपल आप सबको पता है, दैट इज एल्डिहाइड, तो CHO लास्ट में CH2OH और बीच में कितने कार्बन बनाने, एक दो तीन चार, सेकेंड कार्बन पे OH राइट में, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट में, बाकी सब जगह राइट में, OH बना लिया, बाकी फिर हाइड्रोजन भर दो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज। ठीक है, सो चार टाइप के हमने एल्डोजेस यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब एक और चीज, यहां पर ग्लिसराइडिहाइड को हम एक और नाम दे सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज एल्डो ट्रायोस। मेक सेंस और नॉट? इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग ट्रायोस, हम उसको एल्डो ट्रायोस बोल देते हैं। तो अगर एग्जाम में लेट्स से आपको चार ऑप्शन दिए, ग्लिसराल्डिहाइड, एरिथ्रोज, राइबोज और ग्लूकोज, और पूछा है कि भैया इसमें एल्डो ट्रायोस कौन सा है, तो दैट इज ग्लिसराल्डिहाइड, तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ और ये भी समझा रहा हूँ कि कैसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, कीटोसिस, ऑलराइट, कीटोसिस, तो कीटोन जो है वो तो टर्मिनल ग्रुप नहीं है, तो पहला कार्बन कीटोन तो हो नहीं सकता, तो पहला होगा आपका अल्कोहल, दूसरा होगा कीटोन, एंड देन अगेन अल्कोहल, CH2OH। अब इसका नाम क्या आएगा, सोचो। ठीक है, क्या आएगा, सोच लिया। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है, CH3, सी डबल बॉन्ड और CH3, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। वेरी गुड, इसको बोलते हैं एसीटोन, तो मैं यहां पे नीचे लिखता हूं एसीटोन, बट ये वाले स्ट्रक्चर में हुआ क्या है, दो OH ग्रुप आ गया है, तो मैं लिखूंगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्लियर है? ओके, अब इसका नाम क्या लिख सकते हैं, एल्डो ट्रायोस, नहीं, इस यहां पे क्या लिखेंगे, कीटो ट्रायोस। आई होप चीजें इजी जा रही है अभी तक। ओके, ऑलराइट, अब चार कार्बन का बना लेते हैं, तो CH2OH, कीटोन तो सेकंड कार्बन पे ही होगा, सी डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन यहां पर और CH2OH, अल्कोहल OH राइट में ही होगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले का नाम क्या था, एरिथ्रोस, यहां पर नाम है एरिथ्रुलोस। ठीक है, थोड़ा सिमिलैरिटी है, तो इट इज इजी टू रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट CH2, लेट मी चेंज द कलर,
CH2OH, बाकी तो आगे का आप खुद को बाकी का तो आगे का आप सबको पता चल गया होगा, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के कैसे स्ट्रक्चर्स आएंगे CH2OH, क्लियर है। तो ऊपर वाले को क्या बोलते थे, राइबोस, इसको बोलेंगे राइब्यूलोस। चेंज द कलर, राइब्यूलोस। तो एग्जाम में आया कि भैया राइब्यूलोस क्या है, तो आप बोल सकते हो इट इज कीटो कीटो पेंटोस, पांच कार्बन है ना। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, कीटो हेक्सोस, मतलब कीटोन होगा और छह कार्बन होगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल पता है आपको। फ्रक्टोस, पहले लेक्चर में किया था हम लोगों ने, CH2OH, सी डबल बॉन्ड हो, बीच में यहां पे तीन ही लाइन मारनी है, एक दो तीन। अब इसमें भी थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में आता है, बाकी सब राइट में। सो दिस इज योर फ्रक्टोस, दिस इज योर फ्रक्टोस। ओके, सो ये हो गए एल्डोसिस एंड कीटोसिस। अब ये जो रैफिनोस का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, स्टैकियोस मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, स्टैक स्टैक पता है, कोई भी चीजें आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी किताबें एक के ऊपर एक रख दी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैक ऑफ बुक्स। तो स्टैक मतलब बहुत सारे, ट्राई में तो रफी जी आ जाएंगे, दिन में 3 बार चाय पीते हो, और स्टैक मतलब बहुत सारे, चार, मोर देन 3। ऑलराइट, सो दिस वाज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। थैंक यू।